फाइनली होटल में चेक इन कर लिया है। ये जो आप पीछे होटल देख रहे हो इसमें हम स्टे कर रहे हैं। होटल का नाम है क्लीवलैंडर, बिल्कुल ओशन ड्राइव पे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरी ओशन ड्राइव है मायामी की सबसे फेमस एंड सबसे महंगी जगह स्टे करने के लिए। एंड यहाँ गाड़ी भी हमारी होटल के बिल्कुल सामने लग गई क्योंकि यहाँ इनकी वैले पार्किंग है। इवन दो वैले पार्किंग कभी भी यूएस में होटल्स में फ्री नहीं होती, अगर आप स्टे भी कर रहे हो तो भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे वैले के। यहाँ पर $60 की पार्किंग है पर डे की, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बट यार ये एरिया जो है आई थिंक इससे अच्छी जगह नहीं है मायामी में स्टे करने के लिए। ये मेरे पीछे होटल है एंड होटल के बिल्कुल सामने मायामी का फेमस साउथ बीच है। तो अब अंदर चलते हैं होटल के, पहले आपको होटल रूम दिखाता हूँ फिर ये पूरा ओशन ड्राइव साउथ बीच वाला एरिया दिखाऊंगा। दिन में ही पता लग रहा है कि सबसे फेमस एरिया नाइट लाइफ का क्योंकि हर होटल का खुद का ओपन बार है, तो यहाँ पर रात को इतना वाइब्रेंट सीन होता है वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। एंड दिस इज द होटल। तो अब मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, वी आर स्टेइंग एट द क्लीवलैंडर जैसा मैंने आपको बताया। तो इस होटल का रूम मतलब बिल्कुल नॉर्मल है बट सारे पैसे लोकेशन एंड व्यू के हैं। यहाँ से हमारा ओशन फ्रंट रूम है एंड साउथ बीच, ये नीचे ओशन ड्राइव है। एंड इस होटल में भी टोटल दो रूफटॉप है, एक इन्होंने फोर्थ फ्लोर पे सनडेक बनाया हुआ है और ये सी लेवल इनका रूफटॉप लाउंज एंड बार है। सो ये है यहाँ क्लीवलैंडर होटल का रूफटॉप लाउंज एंड बार, हर वीकेंड यहाँ पर पार्टी होती है। एंड यहाँ से सामने पूरा ओशन व्यू है, पूरा बीच दिख रहा है। एंड ये इनका दूसरा बार है जहाँ पर सारी पूल पार्टीज होती हैं। सबसे फेमस होटल्स में से एक है ये यहाँ ओशन ड्राइव पे। एंड यहाँ अमेरिका में ऐसे पिकअप ट्रक्स का इतना ज़्यादा फैशन है एंड इस बंदे ने यार इतना ज़बरदस्त मॉडिफाई कराया हुआ है। ये 27-28 इंच के टायर लगवाए हुए हैं, पूरा मॉन्स्टर ट्रक बनाया हुआ है इसे। एंड यहीं सामने बेंटली, रोल्स रॉयस, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो आपको यहाँ मायामी में नहीं दिखेगी। तो वो सामने हमारा होटल है एंड यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हो, बिल्कुल ओशन ड्राइव पे, सबसे बढ़िया एरिया पूरे मायामी का नाइट लाइफ के लिए। सो गाइस, बिफोर वी मूव फर्दर इनटू द वीडियो लेट मी टेल यू अबाउट टुडे स्पॉन्सर पेसेंट। तो पेसेंट बेसिकली एक फिनटेक कंपनी है विच रियली वॉन्ट्स टू चेंज हाउ मनी मूव्स अराउंड द वर्ल्ड। इट गिव्स यू फास्ट, ईजी एंड रिलायबल सोल्यूशंस अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसा भेजना है। एंड एज यू गाइज नो कि मैं पोलैंड में रहता हूँ बट बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे इंडिया पैसा भेजना होता है फॉर इन्वेस्टमेंट और एनी अदर रीज़न, तो उसके लिए पेसेंट गिव्स यू द बेस्ट सोल्यूशन। एंड अगर आप ट्रेडिशनल वे में पैसा ट्रांसफ़र करोगे विद बैंक ट्रांसफ़र तो आपको बैंक को कमीशन प्लस कन्वर्जन देना पड़ता है जो यूजुअली बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। बट विद पेसेंट यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दैट, यू कैन पे अ फ्लैट फी ऑफ $2 चाहे फिर आप कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र करो किसी भी कंट्री से। सो आई कैन हाईली रिकमेंड यू पेसेंट, इट्स वेरी वेरी ईजी टू यूज़, आप रियल टाइम में पैसा भेज सकते हो एंड इट्स वेरी वेरी सिक्योर। एंड लास्टली इट हैज़ ग्लोबल कवरेज एंड 24/7 सपोर्ट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड पेसेंट की जो ऐप है बोथ एंड्रॉयड एंड iOS पे अवेलेबल है एंड मैं आपको दिखाता हूँ हाउ डू यू यूज़ इट। सो यू जस्ट गो टू द ऐप, देन आपको सिर्फ सेंड मनी पे क्लिक करना है। ओवर 70 कंट्रीज़ में आप पैसा भेज सकते हो, तो लेट्स सी मैं चूज़ करता हूँ इंडिया। अगर मुझे लेट्स से बाहर से इंडिया पैसा भेजना है तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, या तो मैं किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ एंड वी ऑल्सो हैव UPI विच यू नो इज़ हाईली सिक्योर। एंड गाइज पिछले एक साल से मैं पर्सनली पेसेंट यूज़ कर रहा हूँ तो आई कैन हाईली रिकमेंड यू। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे ईशान फ्री तो आपको 3 ट्रांजेक्शन मिलेंगी एब्सोल्युटली फ्री, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पहली 3 ट्रांजेक्शन पे। सो गो डाउनलोड पेसेंट राइट नाउ एंड नाउ लेट्स मूव बैक टू द वीडियो। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको साउथ बीच दिखाया था एंड ये मायामी बीच है। ये जो पूरी मायामी की स्काईलाइन है, ये पूरी कोस्ट लाइन ही साउथ बीच और मायामी बीच है, इतने बड़े बीचेस हैं दोनों बिल्कुल साथ साथ है। तो वहाँ जाके साउथ बीच आता है एंड वही कंटिन्यू होके यहाँ ये मायामी बीच है। एंड यही बीच है जहाँ पर मायामी का सबसे फेमस फेस्टिवल होता है, म्यूज़िक फेस्टिवल मायामी अल्ट्रा। एंड अभी तो कुछ भी फुल नहीं है ये बीच, अगर आप समर्स में आओगे तो यहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं होती। इवन दो अभी परफेक्ट वेदर है, आई थिंक समर में और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी।
एंड अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल चीज़ करने हैं। अगर आप यहाँ मायामी आओ तो एक चीज़ जो डेफिनेटली करना बनता है वो है एक प्राइवेट यॉट चार्टर करके सनसेट देखने जाना, तो हमने वही किया हुआ है। तो बस होटल से अभी हमें हार्बर जाना है जहाँ पर सारी यॉट वगैरह पार्क होती है मायामी में, एंड वहाँ से फिर हमने 3 घंटे के लिए यॉट बुक कराई हुई है। तो आपको पूरा लग्जरी यॉट का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ कि सनसेट कैसा लगता है एंड सिटी कैसी लगती है यॉट से। तो फुल टंकी हुई है $54 की एंड 65 लीटर फ्यूल डला है। काफ़ी बड़ी टंकी है यार इसकी, डॉज चैलेंजर की। तो यहाँ ये मरीना पहुँच गए हैं मायामी के। यहाँ पर सारी लग्जरी यॉट्स खड़ी हैं एक से एक, इतने अमीर अमीर लोग आते हैं अपनी यॉट्स लेके, एंड हमें भी इन्हीं में से एक कोई यॉट लेनी है, वो तो आगे जाके पता लगेगा। अभी यहाँ पर पहले तो इन्होंने ये सब प्रिपेयर किया हुआ है, फ्रेश फ्रूट्स, क्रैकर्स, थोड़े बहुत स्नैक्स, एंड यहाँ पर ये सारी बियर वगैरह रखी हुई हैं ताकि हम आराम से पी सकें। ये जो आप सामने आइलैंड देख रहे हो ये स्टार आइलैंड है मायामी का। यहाँ पर सबसे सस्ता घर 40 मिलियन से स्टार्ट है एंड ये सामने वाला $150 मिलियन का है। सबसे अमीर अमीर लोग रहते हैं पूरे फ्लोरिडा के, एंड हर घर के आगे कोई ना कोई सुपर यॉट खड़ी है प्राइवेट उनकी। ये मतलब सुपर यॉट ही 200 मिलियन की आती हैं। ये पूरा इंडोर एरिया है यॉट का, यहाँ पर पूरी किचन है, थोड़ा बहुत सिटिंग एरिया, एंड यॉट में एक पूरा बेडरूम भी होता है। तो अगर आप थोड़े लंबे रूट के लिए भी जाओ और आपको रिलैक्स करना है बेड पे, आप आराम से कर सकते हो। तो अब सामने पूरी मायामी की स्काईलाइन दिख रही है, ये पूरा डाउनटाउन मायामी है एंड बस सनसेट भी होने ही वाला है। तो इस टाइम पे सबसे सुंदर लगती है सिटी, आप खुद देखो। तो यॉट से वापस आ गए हैं, मतलब 2 घंटे बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मायामी आओ तो यॉट चार्टर ज़रूर करना, स्पेशली ड्यूरिंग सनसेट। एक तो सनसेट इतना ब्यूटीफुल था एंड आप अपनी पसंद का म्यूज़िक चला सकते हो, तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। आई विल हाईली रिकमेंड इट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप मायामी आओ एंड आपको बुक कराना हो कोई भी यॉट एक्सपीरियंस। एंड अब हम जा रहे हैं वापस होटल, बिल्कुल बस अभी सनसेट ही हुआ है, एंड होटल जाके आपको वो साउथ बीच वाला एरिया दिखाता हूँ क्योंकि वो एरिया अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। एंड मायामी ऐसी सिटी है जहाँ पर मुझे दुबई से भी ज़्यादा सुपरकार दिख रही हैं। मुझे अभी तक लगता था कि सबसे ज़्यादा सुपरकार दुबई में है, बट मायामी में तो हर दूसरी गाड़ी सुपरकार है। पीछे वहाँ लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर खड़ी है। आज वैसे तो वीकेंड नहीं है, सबसे ज़्यादा जो लेट होती है नाइट लाइफ वो ड्यूरिंग द वीकेंड होती है मायामी में, बट स्टिल आपको ये पूरा एरिया दिखाता हूँ कि रात को यहाँ पर क्लब्स कैसे लगते हैं मायामी में, क्या क्या होता है। अभी पहले हम डिनर करने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाने, एंड देन फिर ये साउथ बीच वाला एरिया पूरा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा महंगा होता है यहाँ पर स्टे करना इन कंपेरिजन टू अदर एरियाज़। अगर आप और कहीं स्टे करोगे मायामी में तो कंपेरेटिवली आपको थोड़े चीपर प्राइसेस मिल जाएंगे होटल वगैरह के, एंड हर जगह सुपर कार तो ऑब्वियसली है ही। तो डिनर के लिए हम जा रहे हैं, एक पास में कॉफ़ी हाउस है, कोर्टादीतो कॉफ़ी हाउस। एक तो सारे नाम यहाँ पर स्पेनिश हैं चीज़ों के, अभी तक ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं कोई स्पेनिश स्पीकिंग जगह हूँ, इंग्लिश तो सुनने को मिल ही नहीं रही। एंड हर दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ पर साउथ अमेरिकन है, एंड हर जगह वही लैटिन म्यूज़िक चल रहा है। यहाँ पर लोग टाको वाको खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो क्यूजीन यहाँ पर चल रहा है वो क्यूबन, मैक्सिकन, अर्जेंटीनियन, ब्राज़ीलियन, यही है। ऑलमोस्ट लोग भी सारे वहीं से हैं। एंड यहाँ मायामी में आपको हर थोड़ी देर में ऐसी
स्मोक शॉप्स मिलेंगी जहाँ पर आप इवन वीड वगैरह भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ फ्लोरिडा में 100% लीगल है। तो मैंने तो एक स्ट्रॉबेरी लेमिनेट मंगाया है, लिखा हुआ है फ्रॉम क्यूबा विद कॉफ़ी। एंड ये कोई अजीब सी ड्रिंक है, कोई ममे फ्रूट है, पता नहीं कहाँ से आता है उसकी। तो मैंने ये ट्रेडिशनल क्यूबन सैंडविच मंगाया है, ये प्रॉपर एक क्यूबन कॉफ़ी हाउस है। तो ये बढ़िया क्यूबन सैंडविच है, तो साथ में एक एवोकाडो टोस्ट। यहाँ पर ये हर चीज़ में इतना ज़्यादा एवोकाडो खाते हैं। एंड वैसे तो यहाँ ओशन ड्राइव पे इतने सारे बार्स एंड पब्स हैं जहाँ आप बैठ के ड्रिंक्स पी सकते हो, बट ये बार्स इतने ज़्यादा महंगे होते हैं, अगर आप एक भी कॉकटेल लोगे तो $20 से कम का कुछ भी नहीं है। इवन बियर भी आपको $15 की पड़ेगी। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप किसी भी इन पब्स में जाके बैठ सकते हो। बट अगर आपको थोड़े बहुत पैसे सेव करने हैं तो मैं आपको एक टिप देता हूँ, यहाँ मायमी बीच पे आपको हर जगह वॉलग्रीन्स एंड सीवीएस मिलेंगे। यहाँ यूएस में फार्मेसी प्लस ग्रोसरी स्टोर होते हैं, आप वहाँ से जाके बियर कोई भी ड्रिंक परचेज कर सकते हो एंड वो आपको ड्रिंक के साथ ही ब्राउन बैग दे देंगे। एंड अगर आपकी ड्रिंक ब्राउन बैग में है तो आप कहीं भी जाके पी सकते हो, आप बाय द बीच बैठो या फिर अगर आप वॉक भी कर रहे हो तो भी आराम से पी सकते हो। तो ये मेरे पीछे वॉलग्रीन्स है, आपको अंदर जाके प्राइसेस भी दिखा देता हूँ। ये सारे सामने यहाँ वॉलग्रीन्स के फ्रिज हैं। एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि इनके जो फ्रिज है उन पर भारी स्क्रीन लगी हुई है कि अंदर क्या है। जैसे यहाँ पर ये सब बना हुआ है स्मरणा वगैरह, तो आप इसे खोलोगे तो अंदर भी एग्जैक्ट वही चीज़ मिलेगी जो बाहर लगी हुई है। तो आपको बियर के प्राइसेस दिखा देता हूँ। सबसे फेमस जो बियर्स हैं यहाँ पर यही चलती है, कोरोना, बड लाइट, मोडेलो। तो यहाँ पर एक बड़ा बियर का कहना आपको $4 का मिलेगा। ऑलमोस्ट सारी 4 से 6 के बीच में है, जो कि 4 गुना सस्ता है अगर आप यही बार में जाके लोगे तो। एंड बहुत बड़ा सिलेक्शन होता है, कोई भी ड्रिंक आप यहाँ सीवीएस या फिर वॉलग्रीन से आके ले सकते हो। एंड ये जितने भी आप मेरे साइड में रेस्टोरेंट्स देख रहे हो जो बिल्कुल ओशन ड्राइव पे हैं, ये सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ मायमी में। परसों हमने एक रेस्टोरेंट में खाया था इसी रोड पे एंड हमारा 2 जनों का बिल अराउंड $220 आ गया था एंड ज़्यादा कुछ लिया भी नहीं था। एंड क्योंकि आज वेंसडे है तो पता लग रहा है इतने ज़्यादा लोग नहीं है, बट स्टिल खाली नहीं है, काफ़ी सारे लोग घूम रहे हैं। एंड अभी वैसे भी 8 ही बजे हैं, आई थिंक नाइट लाइफ वगैरह तो 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है। अभी तो लोग खाना वगैरह खाने जा रहे हैं इसीलिए रेस्टोरेंट सारे फुल हैं। एंड ये मेरे राइट में ओशन ड्राइव पे क्लब है, ये कल भी पूरा फुल पड़ा था एंड आज भी पूरा फुल है। यहाँ पर मतलब डेली लाइव सिंगिंग है आई थिंक, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग आए हुए हैं। एंड यहाँ पर आपको ऐसी गाड़ियाँ भी बहुत लोग चलाते हुए दिखेंगे, ये बैटमोबाइल टाइप।